नमस्ते हिंदुस्तान, कैसे हैं आप लोग। आज मैं उन लोगों से कहूंगी जिनको भी 5 बार का नमाज पढ़ने के बाद भी अगर हिंदुस्तान में दहशत महसूस हो रहा है, डर लग रहा है, तो मैं कहूंगी उनसे मेरा एक सजेशन है, एक राय है, सिर्फ एक बार, मैं पूरे दिन नहीं बोलूंगी, हर दिन भी नहीं बोलूंगी, सिर्फ मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा पढ़ के तो देखिए, शायद आपका डर भी निकल जाए और हिंदुस्तान जैसे देश में सुरक्षित महसूस करेंगे आप। दोस्तों, आपने एक ट्वीट देखा होगा और नहीं देखा होगा तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि एक बार फिर से हमेशा की तरह जावेद अख्तर ने मुंह से उल्टियां करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, जावेद अख्तर जी का ट्वीट और उनके एक पत्रिका में उनके दिए हुए इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो कहते हैं कि आरएसएस, वीएचपी और बजरंग दल ये तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, जब से तालिबान और अफगानिस्तान के किस्सा आए हैं तब से ये चीजें सामने आ रही है। कभी कोई भगत सिंह, शहीद भगत सिंह से कहता है कि तालिबान बराबर है, जैसे भगत सिंह जी हैं वैसे, भगत सिंह जी मैंने बोला है, बस बोलने वाले तो कहते हैं भगत सिंह और तालिबान में कोई ज्यादा अंतर नहीं दिखता। तो कभी कोई चंद्रशेखर आजाद से भी तालिबान की तुलना करता है, स्वरा भास्कर जैसी औरतें तो ये पूरा हिंदुत्व को ही तालिबान से तुलना करती है कि तालिबान से ज्यादा खतरनाक अपना हिंदुत्व है। और साथ में उन्होंने ये भी बोला है, मैं अगर जावेद अख्तर की बात करूं तो जावेद अख्तर जी हमारे ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि हिंदुत्व का एक ही मकसद है कि अपने परंपराओं को थोपने का। एक लाइन उन्होंने बहुत ही दिलचस्प बोला है, मैं आपको सारे नोट साथ में लगाते जाऊंगी जिससे आप देखते जाइएगा। उन्होंने जो बात बोली है वो कहते हैं कि हिंदुत्व अपने परंपराओं को देश में थोपती है, वो चाहती है कि वो हिंदू राज बने, तो उनको याद दिला दूं कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में हिंदुत्व सबसे ऊपर है और यहाँ पे हिंदू राज बनाने की आवश्यकता नहीं है। जावेद अख्तर साहब, ये पहले से ही हिंदू राज है। और आप जिस तालिबान के खतरनाक होने की बात कर रहे हैं, अगर ये आरएसएस, अगर ये वीएचपी और ये बजरंग दल अगर इतनी ही खतरनाक है और अपनी खौफनाक स्थिति पे और अपने बारे में बताने लगे और अपनी खतरनाक पना दिखाने लगे, तो आप जैसी शख्सियत यहाँ इंडिया में, भारत में, हमारे हिंदुस्तान में सेलिब्रिटी नहीं कहलाते, आप सेलिब्रिटी नहीं होते। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए। जिसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से तथा कथित किसान का लीडर मुखिया राकेश डकैत अल्लाहू अकबर के नारे लगवा रहा है, वहीं पे ठीक शरिया कानून और ये अफगानिस्तान और तालिबान जैसे कानून को थोपने वाले कानून को आगे बढ़ावा दे रहा है। वहां पे चित्रा त्रिपाठी, आज तक की पत्रकार, वहां जाती है वहां पे जर्नलिज्म करने के लिए, लेकिन वहां पे उनके साथ लिंचिंग की गई, छेड़खानी की गई और एक औरत के साथ, एक औरत पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी आपने देखा है किस तरीके से आंदोलनजीवी तथाकथित किसान टेंट के अंदर बैठकर बंगाल से आई हुई बहन बेटियों के साथ बलात्कार करते थे। और बात करते हैं ये हमारे हिंदुस्तान की, बात करते हैं ये हिंदुत्व की, बात करते हैं कि ये आरएसएस वाले आतंकवादी हैं या तालिबान से भी ज्यादा खतरनाक है, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, आप इस फोटो को देखिए, ये आरएसएस के हैं जिन्होंने बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के ये ब्लड डोनेट करते हैं और ब्लड डोनेशन कैंप को चलाते हैं। वहीं पे आप इन्हें देख लीजिए जिनके हाथ में हथियार है, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है। और आप बात करते हैं अपने इस नोट में, आप अपने इस जो उन्होंने इंटरव्यू दिया दोस्तों, उसमें ये कहते हैं कि हम हिंदुओं की बेटियों को रोकते हैं, हमारी बहन बेटियों को रोका जाता है पार्क में जाने के लिए। अब मैं उनसे सवाल पूछना चाहूंगी, आप अपनी बहन बेटियों को पहले तंबू से तो बाहर निकालिए, आप अपनी बहन बेटियों को जो काले टेंट में लपेट के रखते हैं पहले उससे तो बाहर निकालिए। मैं बोलना चाहूंगी, आप अपनी बहन बेटियों को यकीन तो दिलाइए कि वो आजाद हो गई हैं, यकीन तो दिलाइए कि वो स्वतंत्र हो गई हैं। हाँ, हमारे आरएसएस जी, जो आरएसएस, आरएसएस का जो आपने बोला है, ये आरएसएस औरतों को जबरदस्ती बच्चा पैदा करने वाला मशीन बना के नहीं रखता है, जबरदस्ती धर्मांतरण नहीं करवाता है। आरएसएस अपने लोगों का, अपने इस अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जबरदस्ती किसी को परिवर्तन नहीं करता, जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपता नहीं है।
और आप बात करते हैं कि आरएसएस के लोग खतरनाक है। कभी याद है आपको कि आपने आखिरी बार देश के लिए या देश के ऊपर कभी भी कोई त्रासदी आई हो, कभी भी कोई प्रकृति आपदा आई हो, उस प्राकृतिक आपदा में आपने अपने बैंक अकाउंट से हिंदुस्तान के लिए, माना कि आपको हिंदुओं की मतलब नहीं है, अपने ही कौम के किसी लोगों के लिए, हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक के लिए एक रुपए भी खर्च किया हो। अरे आज तो आपके बेटे को भी पूछना पड़ रहा होगा कि ये मेरा बाप है। तो एक बार आप जैसे लोगों को सोचने की जरूरत है, क्योंकि आप ही के कौम के लोग, मुझे नहीं पता कि सस्ता नशा किया, सूखा नशा किया या सच में होश में आ गए। अभी आपने देखी, आप ही के रिश्तेदार जैसे लोग हैं नसरुद्दीन शाह, उन्होंने बोला है कि हाँ अब छोटी विचारधारा, छोटी सोच और पुरानी सोच की जो इस्लामिक सोच है उसे बदलने का वक्त आ गया है। जो तालिबान के लिए जिनका दिल धड़कता है वो लोग बेवकूफ है। आप उनके बताए हुए वीडियो को, उनके बोले हुए वीडियो को देखिए कि वो उनकी विचारधारा बदल रही है, पर आपके भी विचारधारा में जंक लग गई है, बदलने की जरूरत है आपको। क्योंकि मैं फिर से कहूंगी, अगर आरएसएस खतरनाक होता तो आप जैसे शख्स सेलिब्रिटी नहीं होते। दोस्तों आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, आप क्या इस पे क्या ख्याल है, मुझे बताइए कि आपके क्या विचारधारा है। क्या आपको भी लगता है कि आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल, जो हमारे देश की संस्कृति को बचा के रखता है, जो हमारे देश में छोटे छोटे बच्चों को, जिसके माँ पिता चाहते हैं कि वो आरएसएस का सदस्य बने या बजरंग दल का सदस्य बने या फिर संकट मोचन बजरंग बली का भक्त बने, मुझे दोनों में ज्यादा फर्क नहीं नजर आता, इसलिए मैंने बोला। क्योंकि जो हमारे धर्म और संस्कृति से जुड़ा हुआ है वो हमारे आराध्य देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है। तो आपके लिए क्या जवाब है, आप क्या इनको बताना चाहेंगे कि ये कहां तक सही है, और इनका मुंहतोड़ जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। और मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को शेयर करें, और आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। जय हिंद, वंदे मातरम।